हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सीजीआई की तरफ से अपडेट। सीजीआई ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस की हुई है, फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं है और यहाँ पे पैकेज काफ़ी अच्छा है। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके और कंप्लीट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का क्या है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे सीजीआई की इस अपडेट में फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सबसे वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर वो एलिजिबल है तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और आपके दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे जो है इन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट टेक्निकल यहाँ पे जो है पोस्ट का नाम दिया हुआ है। कैटेगरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, मतलब कि यहाँ पे जो है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ आप में से जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल है, लेकिन जो बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन स्किल्स है जावा या .NET तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। 2019-2021 पास आउट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है। अब जो दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि अभी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको रिज्यूम्स डालने रहते हैं, काफ़ी कंपनीज में अप्लाई करने होते हैं और बहुत लोगों से बातें करनी पड़ती है एक जॉब पाने के लिए, और ऑब्वियसली ये कोविड का सिनारियो जो है इसमें जॉब्स काफ़ी गई भी है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगी, जहां पे आपको सीवी या अपने कनेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जॉब आपके खुद के बलबूते पे लग जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रीलेवल की। रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है, और इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के, ना ही जॉब लगने के बाद कहीं पे भी कोई भी चार्जेस नहीं है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 15 डेज के अंदर अपनी जॉब दे सकता है। अब यहां पे इन्होंने टोटल जो है 10 कैटेगरीज रखी हुई है, 5 टेक्निकल 5 नॉन टेक्निकल, मतलब कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तब भी आप यहां पे रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे टॉप कंपनीज को अपने साथ जोड़ा है जो कि रिक्रूट कर रही रीलेवल के थ्रू, जिसमें यहाँ पे काफ़ी कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे, पेटीएम, हाइक, अपग्रेड, रेजर पे, ये सारी कंपनीज हायर कर रही है। और यहाँ पे पैकेज अभी तक हाईएस्ट 40 लाख पर एनम तक ऑफर किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो ना तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे रीलेवल टेस्ट को बुक करना रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है क्राइटेरिया, इन्होंने डिग्री परसेंटेज ये नहीं रखा हुआ है, आपको रीलेवल टेस्ट देनी होगी जो कि अगेन फ्री है। आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, बुक करनी होगी एंड उस दिन को आपको रीलेवल टेस्ट देनी होगी। अगर आप रीलेवल टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो आपकी जॉब तो लगी रही है, साथ ही साथ अगर टॉप रैंक लेकर आते हो तो स्पेशल गुडीज वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स को मिले हुए हैं। सो रीलेवल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कंपनीज आपको सामने से अप्रोच करेगी एंड आपकी जॉब लग जाएगी विद इन 15 डेज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है जहां से आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, आपको ये हेल्प कर सकता है अगर आप टॉप कंपनीज में काम करना चाहते हो। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, मिनिमम परसेंटाइल, पास परसेंटाइल 10th एंड 12th के इन्होंने 60% दिए हुए हैं और ग्रेजुएशन के 65% दिए हुए हैं। अगर ये है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो अप्लाई करने के लिए। अब इन्होंने जो है ब्रांचेस नहीं बताई हुई है, कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं बताए हुए, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो एलिजिबल होंगे ना वो कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल होंगे। बहुत ही रेयर केसेस में यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल वाले सिलेक्ट होंगे, बिकॉज मेन जो है स्किल वो बहुत मैटर करता है। अगर स्किल है तो कोई इश्यू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने स्पेसिफिक ब्रांचेस नहीं बताई हुई है, बस इतना कहा है कि जावा .NET का अगर आपके पास नॉलेज है तो वो एडेड एडवांटेज हो सकता है। पैकेज की बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई पैकेज नहीं है, ना ही यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आपको जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना होगा। और पैकेज 4.5 लाख से करीब का रहेगा। तो ये जो है पूरा क्राइटेरिया है और सारी चीजें अप्लाई करने की। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं और अप्लाई कहां जाके करना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसके अंदर इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, बट मोस्टली यहाँ पे जो है अगर कंपनीज के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अगर एप्लीकेशंस कम आते हैं तो वो इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पे जो है आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है, HR इंटरव्यू हो सकता है। सो HR एंड टेक्निकल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू को, और ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। अप्लाई करना, और आपको यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग जो होगी वो आपकी बेंगलुरु में रहेगी,
और अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना रहेगा। अब जो लिंक्स वगैरह है वो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज ऑफिशियल अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। लेकिन मान लो वो लिंक नहीं काम कर रही है तो समझना कि गलत लिंक दी हुई है, वो जॉब एक्सपायर हो गई होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की जॉब्स एक्सपायर हो जाती है वो भी बिना किसी नोटिस के, क्योंकि लास्ट डेट नहीं दी होती है। और मैंने रीलेवल के बारे में बताया हुआ है, वो यहाँ पे एक्सपायर नहीं होने वाली है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो चलती रहेगी, आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।